तो यार क्या तुम भी वो 13 से 18 साल की टीन एजर हो जिसको कि उसके स्कूल के लोग, कॉलेज के लोग, आस पड़ोस के लोग माचिस की तीली, हड्डी, लकड़ी, ककड़ी ये सब बोलते हैं? तो यार इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 टिप्स मैं देने वाला हूँ डाइट के लिए, जिसको कि आपको फॉलो करना होगा। आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो यार, आपकी जो है मसल नहीं बनेगी, आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी जब तक आपकी एक डाइट सही नहीं होगा। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स भी ये बोलते कि आपकी डाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्कआउट नहीं भी करते हो तो भी आपको थोड़ा बहुत आपको जो चेंजेस दिखेगा अगर आपका अगर डाइट सही है तो यहाँ पे उनकी गलती नहीं है, यहाँ पे तुम्हारी गलती है। तुम्हें अपने डाइट को सही करना होगा और इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर तुम एक स्किनी लड़के हो तो यार इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैंने भी यही सारे टिप्स को फॉलो करके इस फिजिक तक मैं आज पहुंच पाया हूं। तो यार ये सारी सीक्रेट, ये सारे टिप्स मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। तो यार इस वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था क्योंकि 500 से भी ज़्यादा लोग ने मुझे बोला कि भाई वेट गेन के ऊपर वीडियो बनाओ कि वेट कैसे बढ़ाएं। तो यार ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ वेट ही गेन का नहीं है। यहाँ पे मैं आपको वेट गेन ऐसा नहीं बताने वाला हूँ कि ये खा लो, ये पी लो, तोन निकाल लो और वेट गेन कर लो। नहीं, यहाँ पे मैं आपको फैट से मैं वेट गेन नहीं कराऊंगा, यहाँ पे मैं आपको लीन मसल से मैं आपको वेट गेन कराने वाला हूँ। यानी कि आप अपने दोस्तों के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने ऑडियंस के सामने आप जो और भी अच्छे से दिखोगे, और भी ब्रॉड दिखोगे, और भी चौड़े दिखोगे। तो यार इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि ये मैं आपको फैट वाला मैं वेट गेन नहीं, यहाँ पे मैं आपको मसल वाला मैं आपको वेट गेन बढ़ाने वाला हूँ। यानी कि आपके बॉडी में जो है मसल साइज बढ़ेगा, ना कि फैट साइज। तो यार इस वीडियो को पूरा देखना अगर आपको वेट गेन करना है, मसल गेन करना है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो यार क्या कर रहे हो, पहले उस सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को हिट कीजिए कि ताकि हम लोग कनेक्टेड रहे, क्योंकि मेरा एम है आप लोग टीनेजर का इसी तरह से फिटनेस में हेल्प करते रहना। और दोस्तों अगर आप में सच में चूल है अपने फेवरेट एथलीट, मॉडल, रेसलर के तरह बॉडी बनाने की, कि अब एट एनी कॉस्ट मुझे बॉडी बनानी ही है, तो यार आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम का, आप वहां जाओ, मुझे फॉलो करो और मुझे मैसेज करो, मैं हर एक का मैं रिप्लाई देता हूं और वहां पे मैं आपकी हेल्प करूंगा। और अभी दोस्तों 50% ऑफ भी चल रहा है मेरे ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग का, बहुत सारे लोग को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है, सो आप भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, तो आओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। सो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो। सबसे पहला टिप आता है वो है ईट ब्रेकफास्ट टू हेल्प बिल्ड मसल मास। देखो दोस्तों आपको जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा सा आपको ब्रेकफास्ट लेना होगा। अगर आपको मसल मास अगर बिल्ड करना है तो यार आपको ब्रेकफास्ट अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना होगा। स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब क्या है कि उसमें अच्छे से प्रोटीन, अच्छे से कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जिससे कि आप जो लॉन्ग लास्टिंग, आप जो एनर्जेटिक रहो, आप पूरे अपने दिन में जो है पूरा एनर्जेटिक रहो और आप अच्छे से काम करो, अच्छे से अपने मील्स लो। क्योंकि यार सिर्फ एक मील से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन ब्रेकफास्ट एक ऐसा मील होता है जिससे कि आपको पूरे दिन भर की आपको एनर्जी मिलती है। अब आप क्या क्या चीज आप ले सकते हो अपने ब्रेकफास्ट में, वो हो सकता है आपका ऑमलेट, वो हो सकता है आपका स्मूदी, वो हो सकता है आपका ब्रेड, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। कुछ ऐसा रखो जिससे कि आपको खाने में अच्छा लगे और आप थोड़ा सा एनर्जेटिक आप जो है फील और करो। दोस्तों ध्यान रखो कि आप अपने ब्रेकफास्ट को थोड़ा लार्ज साइज में रखो कि ताकि आपको ज्यादा एनर्जी मिले। तो दोस्तों ये था हमारा सबसे पहला टिप कि आपको जो है ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना, आपको ब्रेकफास्ट खाना है। अपने मसल मास को अगर आपको बिल्ड करना है तो आपको अपने ब्रेकफास्ट पे फोकस करना होगा। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक ही डाइट पे आपको फिक्स रहना है, आप डेली डेली आप जो चेंज भी कर सकते हो अपने ब्रेकफास्ट को। कभी आप स्मूदी ले लो, कभी आप ओट्स ले लो, कभी आप ऑमलेट ले लो, आपके ऊपर है। सो यार पर अपने ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप मत करना और ब्रेकफास्ट दबा के लो। दोस्तों टिप नंबर 2, ईट एवरी 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स। देखो दोस्तों आपको अगर मसल मास अगर आप सीरियस हो कि आपको एकदम गेन करना ही है, वो लोग का मुंह बंद करना ही है जो आपको हड्डी बोलते हैं, लकड़ी बोलते हैं, ककड़ी बोलते हैं, तो दोस्तों आपको हर 2-3 घंटे पे आपको खाना ही होगा एट एनी हाउ। दोस्तों आपको जो कैसे भी खाना होगा, अगर आपके अगर पेट में जगह नहीं है तो आप थोड़ा ही सा लो, लेकिन हर 2-3 घंटे पे आपको जो खाना होगा। ऐसा क्यों? देखो यार अगर आप एक ही बार अगर आप बड़ा अगर फूड ले लेते हो, खा लेते हो, तो आप जो पूरे दिन भर आप नहीं खा पाओगे। लेकिन अगर आप छोटा छोटा अगर आप मील बना के अगर 5-6 बार अगर आप खा रहे हो तो यार आप जो बहुत सारे फूड भी आप जो इनटेक कर लोगे तो उतना फिलअप भी नहीं लगेगा आपको, उतना फुलफिल भी नहीं लगेगा। तो यार ध्यान रखो कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको खाना है, लेकिन आपको 5 से 6 बार खाना है, तो उस हिसाब से तो आपको जो हर 2-3 घंटे पे आपको जो है खाते रहना है, कुछ ना कुछ आप जो खाते रहो, जो भी आपके घर में आप वही खाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एकदम बॉडी बिल्डर के तरह आपको चिकन ही लाना है, यही लाना है, वो लाना है, नहीं, आपके घर पे जो बना है आप अभी वही खाओ, लेकिन यार हर 2-3 घंटे पे खाओ।
दोस्तों टिप नंबर 3, ईट प्रोटीन विथ ईच मील टू बूस्ट योर मसल मास। देखो यार, अगर आपको मसल मास अगर बढ़ाना है वेट के साथ साथ, अगर आपको मसल मास बढ़ाना है, दोस्तों वेट जो है दो तरह से बढ़ता है, एक आपके फैट के वेट से जो कि आपका टोंड होता है, आपके बॉडी में जो फैट जो लटके हुए होते हैं उससे आपका वेट बढ़ता है, और दूसरा जो कि आपके मसल्स बड़े बड़े बाइसेप्स बड़े बड़े ट्राइसेप्स उससे जो आपका जो वेट बढ़ता है। दोस्तों एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दो WWE सुपरस्टार में ले रहा हूँ। सबसे पहला ओटिस जिसका कि वेट है 158 kg, और दूसरा ब्रॉक लेसनर जिसका कि वेट है 130 kg। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो क्लियरली देख सकते हो कि ओटिस का वेट जो है 30 kg ज़्यादा है ब्रॉक लेसनर से। पर दोस्तों क्या आपको ओटिस जैसा आपको बॉडी चाहिए? बिल्कुल ही नहीं, आपको ब्रॉक लेसनर जैसा ही बॉडी चाहिए होगा। तो ये होता है फैट और मसल का अंतर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओटिस ने जो बॉडी बनाया वो पूरा ही फैट से बना है, और ब्रॉक लेसनर ने जो बॉडी बनाया वो बिल्कुल ही मस्कुलर है, मसल वाला है। तो दोस्तों ये होता है फैट और मसल का अंतर। मसल मास चाहिए तो मसल मास बनाने के लिए आपको जो प्रोटीन लगता है, तो दोस्तों आप जितना भी आप जो मील लेते हो सुबह से लेके 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी आप जो है मील लेते हो वो सारे में थोड़ा ना थोड़ा यार आपको प्रोटीन रखना ही है, ठीक है। एटलीस्ट आपको जो है 1 ग्राम आपको 454 ग्राम बॉडी वेट पे आपको चाहिए। 200 ग्राम आपको जो है प्रोटीन चाहिए अगर आपका बॉडी वेट अगर 91 kg है, ठीक है। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो क्या क्या चीज़ आप जो ले सकते हो। दोस्तों आप चिकन ले सकते हो, मीट ले सकते हो, टर्की ले सकते हो, फिश में आप जो है सैलमन ले सकते हो, रोहू ले सकते हो, दोस्तों आप जो एग्स ले सकते हो। अब दोस्तों एग से कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है इस मिथ को कभी भी मत सोचना, और योग को ज़रूर से खाना, योग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डेयरी प्रोडक्ट में आप क्या क्या चीज़ ले सकते हो, आप मिल्क ले सकते हो, चीज़ ले सकते हो, उसके बाद योगर्ट ले सकते हो। और दोस्तों अगर आप जो वे प्रोटीन वैसे नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आप अफोर्ड अगर कर सकते हो तो आप जो है पोस्ट वर्कआउट में आप जो वे प्रोटीन ले सकते हो, और आप जो है वेगन ऑप्शन भी, वेगन यानी कि जो प्योर वेजिटेरियन लोग के लिए होता है वो भी आप जो ले सकते हो, जैसे कि लैंटिस, टोफू, शीट्स, नट्स, आप ये सब ले सकते हो। तो दोस्तों ध्यान रखो कि आपको हर मील के साथ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, प्री, पोस्ट, हर मील के साथ आपको जो प्रोटीन रखना है अगर आपको मसल मास बढ़ाना है, अगर आपको मसल बिल्ड करना है, तो यार ये जरूर से याद रखना। तो अब आते हैं हमारे 4th टिप पे जो कि ये ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल विथ ईच मील। देखो यार, आपको जो हर मील के साथ आपको जो फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को आपको ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि आप जो है अभी बहुत ज़्यादा ही खा रहे हो, आपको अभी वेट गेन करना है, तो यार आपके डाइजेशन भी जो है अच्छी होनी चाहिए, और डाइजेशन हमारे दो ही चीज़ से अच्छी होती है, एक फ्रूट और एक वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो यार आपको जो फ्रूट और वेजिटेबल्स हर फ्रूट के साथ आपको रखना है कि ताकि आपकी जो डाइजेशन भी अच्छी हो और जो भी आप खाओ वो आपके शरीर में लगे। तो यार ध्यान रखो, आपको जो है फ्रूट और वेजिटेबल पे भी आपको फोकस करना है, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है बड़े बड़े चीज़ों को खाने में लग जाओ, नहीं, आपको फ्रूट और वेजिटेबल्स पे भी आपको फोकस करना है। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे 5th टिप पे जो कि है ईट कार्ब ओनली आफ्टर योर वर्क। देखो दोस्तों, आपको जो कार्बोहाइड्रेट आपको अच्छे से दबा के खाना होगा, क्योंकि दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है, और जब आप जब बल्क करते हो यानी कि आप जब मसल मास जब आप गेन करते हो तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है। आपको क्या क्या चीज़ आपको कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज में आपको खाना चाहिए, वो हो सकता है हमारा राइस, पास्ता, ब्रेड, पोटैटो, ये सब हो सकता है, ओट्स। और आपको क्या क्या चीज़ आपको अवॉइड करना है, वो है वाइट कार्ब्स एंड ईट होल ग्रेन, ठीक है यार। तो आपको जो ध्यान रखना है कि आपको वाइट कार्ब्स को आपको जो हटा के रखना है। दोस्तों हमारा जो टिप नंबर 6 है वो है ईट हेल्दी फैट्स। देखो यार, आपको जो फैट्स इनटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फैट वो फैट नहीं है जिससे कि आपके तोंद, आपके मसल ढीले होने लगेंगे, ये फैट जो होता है वो हेल्दी फैट होता है। और दोस्तों आपको जो फैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ यंग, हम लोग अभी टीनेजर है तो यार फैट हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारे बच्चे भी जो अभी से जो बॉडी बिल्डर्स के तहत जो योग को जो छोड़ने लग जाते हैं अपने अंडों के, तो यार आपको वैसा नहीं करना, आपको जो योग भी खाना, आपको पीनट भी खाना, आपको सब चीज़ खाना, फैट के सोर्सेस आपको सब लेना, बटर यूज़ करो, घी यूज़ करो, सब चीज़ यूज़ करो, जो भी है यार आपको खाना है, अभी आपको अपने साइज़ को गेन करने में लगाना चाहिए। तो यार हेल्दी फैट को कभी भी इग्नोर नहीं करना, हेल्दी फैट ज़रूर से लेना। आपको मसल मास गेन करना, वेट गेन करना है, तो यार फैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों टिप नंबर 7, ड्रिंक वाटर टू हेल्प यू बिल्ड मसल मास। देखो यार, जब हम लोग जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जब हम लोग जब बहुत ज़्यादा ये लोग खाते हैं और बहुत ज़्यादा ये लोग जब वर्कआउट करते हैं, तो यार वर्कआउट के टाइम आप जो बहुत ज़्यादा ही आप जो पसीना निकालते हो, तो आपको अपने बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं रखना है, क्योंकि उससे आपकी जो मसल जो श्रिंक होने लगेगी। सो आपको बहुत ज़्यादा ही आपको पानी पे भी आपको फोकस करना होगा, 7 से 8 लीटर या पियो। अब मैं आपको एक टिप देता हूँ, आप जब भी आप जो मूवी देखने के लिए बैठे हो या फिर आप कुछ भी करने के लिए अपने बेड पर बैठे हो, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक बॉटल लेता हूँ और उसे पीते रहता हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता है। आपको जो पीना होगा अगर आपको अपने मसल मास को फुलफिल करना है, आपको थोड़ा ब्रॉड दिखना,
करना है तो यार आपको ये पीना होगा बहुत सारा ही पानी। दोस्तों लास्ट टिप जो कि हमारा ईट होल फूड 90% ऑफ योर टाइम, यानी कि आपको दिन भर में आपको ज्यादातर जो आपको होल फूड आपको खाना है। अब आप लोग सोच रहे हो कि होल फूड होता है क्या है, तो देखो दोस्तों होल फूड वो होता है जो कि अनप्रोसेस्ड अनरिफाइंड हो, जैसे कि एग, फिश, मीट, चिकन, पनीर, सोया, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब जो होते हैं दोस्तों ये होते हैं आपके होल फूड। और दोस्तों आपको अवॉइड करना है पूरी, समोसा, कुकीज, यानी बाहरी चीज, रिफाइंड से भरा हुआ चीज, तला हुआ चीज, ये सब चीज को आपको जो है अवॉइड करना है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके बॉडी को प्रोटीन चाहिए मसल मास बढ़ाने के लिए, तो वो भी आप जो है दोस्तों होल फूड से ही ज्यादातर लेने की कोशिश करो। अगर आप सप्लीमेंट भी लेते हो तो आप एक से दो बार, ज्यादा से ज्यादा आप जो है दो बार आप यूज करो, बाकी के अपने रिक्वायरमेंट जो भी आपके प्रोटीन के उसे जो आप जो फूड से आप लेने की कोशिश करो। सो ऑलराइट दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो यार एक लाइक जरूर से करना, और अपने एक टीनेजर फ्रेंड के साथ यार इस वीडियो को शेयर जरूर से करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो यार क्या कर रहे हो, पहले उस सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को हिट कीजिए कि ताकि हम लोग कनेक्टेड रहे, क्योंकि मेरा एम है अपने टीनेजर भाई लोग की इसी तरह से हेल्प करना। और दोस्तों अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है जल्दी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का, आप जाओ मुझे वहाँ फॉलो करो। और दोस्तों आप जो सब्सक्राइब इस वाले लोगों पे भी क्लिक करके कर सकते हो। सो ऑलराइट गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप हसल फॉर योर मसल।